आज हम पोएम पढ़ेंगे द हंट्स मैन बाय एडवर्ड लोपरी। कागवा हंटेड द लाइन थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। एक कागवा एक हंटर है, शिकारी है, जो कि लाइन का शेर का शिकार करता है जंगल और झाड़ियों में। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन। एक दिन उसे एक खोपड़ी मिली जंगल में एंड सेड टू इट, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई। द स्कल ओपन इट्स माउथ एंड सेड, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और उसे जवाब दिया कि मुझे बोलना यहाँ तक लेकर आया है। कागवा हरिड होम। कागवा घर की तरफ भागता है एंड वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक। किंग के पास जाता है और कहता है, इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, जंगल में मैंने एक बोलती हुई खोपड़ी देखी। द किंग वॉज साइलेंट। बादशाह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। देन ही सेड स्लोली, और फिर वो आहिस्ता से कहता है, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माई मदर, वो कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हैव आई सीन और हेर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई एक खोपड़ी बोलती हो। खोपड़ी बोलती हो। द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, टू ऑफ यू गो विद हिम। किंग अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि तुम में से दो इसके साथ जाओ एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और बोलती हुई खोपड़ी को ढूंढो। बट इफ हिज टेल इज लाई, लेकिन अगर इसकी कहानी झूठी हो। एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, और अगर खोपड़ी कुछ नहीं बोलती तो कागवा को भी मर जाना चाहिए। दे रोड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ भागे। फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, कई रातों और दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा जंगल में। एट लास्ट दे सॉ द स्कल, आखिरकार उन्होंने खोपड़ी देखी। सेड टू इट, हाउ डिड यू कम हेयर, और उसे कहा, तुम यहाँ कैसे आई। द स्कल सेड नथिंग, खोपड़ी ने कुछ नहीं बोला। कागवा इम्प्लोर्ड, कागवा ने इल्तजा की। बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन फिर भी खोपड़ी ने कुछ नहीं बोला। द गॉड सेड नील डाउन, बैठ जाओ। दे किल्ड हिम विद स्वर्ड एंड स्पीयर, उन्होंने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटी और फेंक दी। देन द स्कल ओपन इट्स माउथ, फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। हंट्समैन हाउ डिड यू कम हेयर, हंट्समैन तुम यहाँ कैसे आए। एंड द डेड मैन आंसर्ड, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, खोपड़ी ने जवाब दिया, बोलना मुझे यहाँ तक लेकर आया है।